होता है, कोई पैसा, कोई सैलरी, कोई फैसिलिटीज नहीं मांगते हो, वो मांगते एक वर्दी। उनकी एक सपना होता है वर्दी। हर एक तरफ हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख 24 तारीख की डेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे बच्चों की जान ले रहे हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होगा। आप सबको, मेरे को इस वीडियो से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर पक्का करना। लाइक करिए चाहे नहीं करिए, कमेंट और शेयर की आपकी सख्त ज़रूरत है। हमें इनके लिए आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो भी वीडियो देख रहे हैं कल आपके भाई इस तरह से खड़ा होगा, या फिर आपकी बेटा होगा, या फिर आपकी कोई कज़न होगा, ऐसे खड़ा होगा। ये मुद्दा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। उससे पहले बता दूँ, इंडिया में अभी हर कोई राम मंदिर की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमने 5000 साल के बाद, 500 साल के बाद बहुत अचीवमेंट किया। हमने 5500 करोड़ का जो कलेक्शन किया और मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। 22 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी चाल में ना हम इन बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बच्चे कोई भीख मांगने वाले बच्चे नहीं है, ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट है जो कि सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे सोते हैं, दिन में ग्राउंड में, रात को घर पे एक बल्ब के नीचे मेहनत करते हैं। सिर्फ क्यों? हमारे सेफ्टी के लिए, उन सिविलियन की सेफ्टी के लिए, अपनी जान देने के लिए। वो चाहे वो कश्मीर क्यों ना हो, चाहे वो सियाचिन बॉर्डर क्यों ना हो, चाहे क्यों ना राजस्थान की जो रेतीला गर्मी है, या फिर पंजाब की वो मेहनती काम, इतना करके अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। उनकी सिर्फ एक ही सिर्फ होता है, कोई पैसा, कोई सैलरी, कोई फैसिलिटीज नहीं मांगते हो, वो मांगते एक वर्दी। उनकी एक सपना होता है वर्दी, हर एक चीज़ में वो एक चीज़ ढूंढते, वो है यूनिफॉर्म उनका। उस यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने रोज़ाना मेहनत किया। 2019 की बात कर रहा हूँ, पीछे जाना चाहूँगा। 2019 में इन्होंने, जो एयरफोर्स के कैंडिडेट थे, इन्होंने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, रिटिन पास किया, एनरोलमेंट लिस्ट आ गया, और उसके बाद गवर्नमेंट बोलता है कि हम 2020 के बाद हम एनरोलमेंट करेंगे थ्रू अग्निवीर, और जो आपने भर्ती दिया था उसको सारे को कैंसिल किया जा रहा है। ये कौन सी न्याय है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बंदे ने रिटिन क्लियर किया, एयरफोर्स की रिटिन इतना ईजी नहीं होता है। जो बकचोदियाँ करते हैं ना पार्लियामेंट में बैठ के, उनको अगर एयरफोर्स की XY की मैं दे दूँ ना पेपर, उनसे घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है? उनको एक्चुअली तो इंपॉर्टेंस पता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स की जो कमेटी है, आपको तो पता है ना एयरफोर्स की एग्जाम क्या होता है। आप तो ऑफिसर्स हैं, आपने तो करके आए हैं, आपको तो पता है एक मेहनत कितना लगता है एक बंदे को, पहले रिटिन क्लियर करने में, फिर फिजिकल करने में, फिर फिजिकल के जो टेस्ट होते हैं बाकी उसको करने में, फिर उसके आगे जाके फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाके PSL लिस्ट, फिर एनरोलमेंट लिस्ट, और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो ये प्रोसीजर होता है उस डिफेंस वर्दी को पाने के लिए, इतना ईजी नहीं होता। आपने किस हक से इनके कैंसिल कर दिया? अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला, गवर्नमेंट इज़ नॉट रनिंग एयरफोर्स, देयर इज़ लॉट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सिर्फ मैं मोदी जी को या फिर BJP गवर्नमेंट का इसका हिस्सा नहीं मानूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ डिफेंस मिनिस्टर्स को और जो ऑफिसर्स बैठे हैं, आपने क्या एंश्योर किया? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इनकी कैसे कैंसिल हो सकता है? क्या आप एक प्रमोशन के लिए लाखों बच्चे के सपना ऐसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल भी गलत बात है कि ऐसे एक बंदा जहाँ सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग लेटर के लिए बैठा रहता है, कितना खुश होगा सोचिए उसके घर में, जब इतना सारी चीज़ हो गया, सिर्फ वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर के लिए बैठा हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वो एयरफोर्स में जाके देश के लिए काम करेगा। लेकिन आप उनको झक से, बिल्कुल झक से कैंसिल कर देते हो, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट नहीं मानता। मानना पड़ेगा यार, कोर्ट ने भी कैसे डिसीजन लिया कि अग्निवीर के थ्रू होगा। ठीक है, अग्निवीर के थ्रू होगा, जहाँ से शुरू किया है वहीं से बताइए ना अग्निवीर के थ्रू होगा। इन्होंने तो पहले दिया था यार, इनको मौका मिलना चाहिए एयरफोर्स में, और बिल्कुल मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और आप सबको रिक्वेस्ट है कि इनके साथ खड़ा हो ये एयरफोर्स और आर्मी। आर्मी में क्या हुआ, 2019 में इन्होंने पहले फिजिकल करवाया, फिर रिटिन करवाया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, और इनको निकालना था एनरोलमेंट लिस्ट, जिसको मेरिट लिस्ट जिसको भी बोलते हैं, इनको निकलना था वो मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट से पहले इन्होंने क्या बोल दिया, बस बाद में निकलेगा, बाद में निकलेगा, बाद में निकलेगा, और बाद में वो निकला ही नहीं। और फिर क्या बोल दिया गया इनको, कि तुम्हारा जो भर्ती है ना वो अग्निवीर हो गया, और आप जाइए और अग्निवीर के थ्रू भर्ती दीजिए। भाई जिसका 21 साल हो गया, जिसका 23 साल हो चुका था, उसकी भर्ती कंप्लीट हो चुका था, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? आपने क्या दिया उसको? कुछ दिया? और इन्होंने भी कोर्ट के पास गए और सेम उनको वही निराशा देना पड़ा। कुछ दिन के बाद जो अपोजिशन पार्टी थे वो भी ऐसे ही है, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, फिर जैसे ही ठंडा हो गया सब खत्म कर दिया। अभी आप लोगों के सपोर्ट ज़रूरत है, अगर हर कोई इसको शेयर करेगा किसी के साथ, मान लीजिए इसमें 200 व्यूज़ 300 व्यूज़ भी आता है ना, मैं चाहता हूँ इसमें चाहे 300 लाइक क्यों ना आए, 300 शेयर पक्का आना चाहिए। अगर आप 300 के एक एक हर एक एस्पिरेंट, देखिए ये उनकी लड़ाई नहीं है,
हम एक डिफेंस एस्पिरेंट है, हम एक डिफेंस सोल्जर्स है, तो हमारे सबकी लड़ाई है। भाई के साथ भाई नहीं खड़ा रहेगा तो अगले पल में जाके आप भी ऐसे ही फंसे रहोगे। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो इन भाइयों के लिए ना, इनको और इनमें इनसे हमारे को कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अचीवमेंट है, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनकी प्राण क्यों लिया जाए? मेरा क्वेश्चन सीधी सी सवाल है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनकी प्राण क्यों लिया जा रहा है? भाई एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ होता है एक बढ़ती, सब कुछ कर चुका है, वो भीख नहीं मांगा आप लोगों से, उसने अपनी मेहनत से अपनी सारे लगन लगा के मेहनत लगा के ये अचीवमेंट्स किया है, आपसे भीख मांग के पोस्ट नहीं लिया है। वो लाखों बच्चों में वो 200-300 बंदा सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, ऐसे लाखों बच्चे हैं, उनको बिल्कुल उनकी जो हक है उनको मिलना चाहिए। एयरफोर्स को जिसकी भी ज्वाइनिंग लेटर बाकी थे उनको दे के ज्वाइनिंग करवाना चाहिए और वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए क्योंकि वो अग्निवीर से पहले आए। साथ में जो आर्मी में भर्ती दिया था उनकी मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए और उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजना चाहिए और वो भी रेगुलर कैडर में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन भाइयों को सपोर्ट करें जो आज दिल्ली में रो रहे हैं, क्योंकि उनकी परिवार में भी माँ बहन है, एक पिताजी का सपना है, एक माताजी का सपना है और हमारे परिवार में भी सेम है। हम गरीब परिवार से सभी आए हैं, तो हमारा एकजुट अगर होके हम प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के ऊपर, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा और पॉजिटिवली निकलेगा। अगर हम ऐसे ही सोते रह जाएंगे, कल इनकी नंबर था, कल आप लोग की नंबर होगा और परसों आपकी बच्चों का नंबर होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कमेंट्स में अपनी राय। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।